वेलकम टू इंडियन ब्लॉगर जैस्मीन। कैसे हो आप सब? अच्छे होंगे। प्लीज स्टे सेफ एट होम। अगर आपके अभी यहाँ लॉकडाउन है और क्वारंटाइन है तो उसके और आप ध्यान दें। कि आज मैं बहुत बोर हुई थी, दिल कर रहा था कि मैं आपसे बात करूँ। आई नॉट वेल, कुछ दिनों से तो ऐसे ही चल रहा है मेरा। और सोचा फिर वॉक शुरू करती हूँ। वॉक शुरू करने से मेरे लेग्स में बहुत ही ज़्यादा स्वेलिंग हो गई है, तो फिर मैं सोच रही हूँ कि मुझे बंद ना करूँ, मैं फिर से शुरू करूँ। और अभी इतना टेम्परेचर है कि मॉर्निंग में भी जाना मुश्किल है। और यहाँ पर बिल्कुल 5 बजे सुबह जाएँ तो हो नहीं सकता। तो आज मैं आलू मटर बना रही हूँ। उसी ये आलू काटे हैं, ये थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाया। और ये मटर है और ये 2 टोमेटोज़ हैं। मैंने इसमें तड़का डाला है, सूखी जो ड्राई हो जाती है मिर्च बनाने के लिए। और जीरा है और थोड़ी सी ग्रीन पाउडर है। और एक या दो लौंग है। ये देखिए, ये लौंग क्लॉव्स, वन और टू ऑनियन एंड जीरा हाफ स्पून। बस सिंपल का खाना बनेगा चपाती के साथ और लौकी का रायता। लौकी का तो आप ही रायता बनाते होंगे। लौकी को भी मैं कोशिश करूँगी शेयर करने के लिए। सिंपल लंच यही बन रहा है, चपाती भी बनेगी और थोड़ा सा राइस बनेगा। मेरी बैठे को राइस बहुत पसंद है, देखिए राइस बनाऊँगी। और मुझे चपाती भी बनानी है, राइस को मैंने बंद कर रखा है 90%। चेंज करा है, हैंग हो जा रहा था बार बार, तो उसका साउंड भी चला गया है। तो मेरे किसी भी वीडियो में आपको साउंड सही नहीं आ रहा है। जब तक लॉकडाउन खत्म नहीं होगा मैं इसको कुछ नहीं कर सकती। सो आपको बहुत ध्यान से मेरा वीडियो देखना होगा। तो आज ये सिंपल ये खाना बनेगा, थोड़ा राइस, लौकी का रायता और मसाला भिंडी भी बनाऊँगी। ट्राई करूँगी आपको दिखाने की। सिंपल ये सारी रेसिपीज आप अपने घर में रोज बनाती होंगे, ये तो डेली रेसिपी है। डेली फैमिली रेसिपी है ये। तो ये है, मैं इसको बहुत तेज आंच पे बना रही हूँ। आप ध्यान रखना, अगर आप तेज बना रहे हैं तो इधर उधर कहीं मूव ना करें। ये हो गया है। तो अब इसमें मैं आलू डालूंगी, मटर डालूंगी साथ में ही, और फिर टमाटोज करके ऊपर करके ऊपर डालूंगी, वो भी मसाले डालने के बाद। तो बने रहिए मेरे साथ। ये देखो, मैंने हो सकता है आपको पहले साउंड में सुनाई ना दिया हो, तो मैंने उसके क्लिपिंग आ जाएगी लिखी हुई मैंने क्या पहले डाला। तो यही बात मैं कर रही थी आपसे कि मेरा हेल्थ बहुत सही नहीं है और मैं ऐसा फील नहीं कर रही। वॉकिंग बंद कर दिया, वॉकिंग कर किया शुरू किया था तो मेरे दोनों लेग्स में स्वेलिंग बहुत आ गई थी। और आज सोचा आपसे बातचीत करूँ। मैं काफ़ी बोर हो रही थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैं फील वेल बिल्कुल भी नहीं अच्छी, मेंटली और हेल्थ से बिल्कुल अच्छा वेल फील नहीं कर रही थी। और आज मुझे आपसे शेयर करना था। सोचा फैमिली ब्लॉग बना रहे हैं तो फैमिली फूड, जो डेली फैमिली फूड होता है वही शेयर कर दूँगी, जो बन रहा है जो बना रही हूँ। और ये है आलू मटर, सिंपल कुकर में सीटी देनी है, 2 या 3 आपके देखने में। और ये है मटर, फ्रोजन मटर जो होते हैं ना, पीस फ्रोजन पीस वही है। और ये 2 टोमेटोज मैं डालूँगी। आप अपने टमाटोज बढ़ा भी सकते हैं अगर आपकी फैमिली तो पसंद है, थोड़ा फैमिली आप ज़्यादा हैं और फैमिली हम तो 2 या 3 हैं, 2 मान लो या तीसरा। तो तीसरे का तो भाई कुछ पता नहीं होता, खाना है नहीं खाना है बहुत मुश्किल करते हैं बच्चे को। और थोड़ा सा राइस बनाऊंगी, फिर चपाती और लौकी का रायता, देखते हैं मसाला भिंडी बना लूँगी। तो ये डेली फैमिली फूड ब्लॉग है और आप मेरे साथ देख रहे हैं। मोस्ट वेलकम टू इंडियन ब्लॉगर जैस्मीन। आप मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है।
वेलकम, फिर से मैं वेलकम कर रही हूँ। उसका साउंड बिल्कुल सही नहीं था, साउंड है भी नहीं। फोन में चेंज कराया फ़ोन का, फिर भी फ़ोन डैमेज हो चुका है काफ़ी हद तक। मुझे समझ नहीं आया, हैंग हो होकर फ़ोन ख़राब हो गया है। देखते हैं आगे क्या करना है फ्यूचर में। तो ये मटर डालूँगी मैं, और मटर डालने के बाद टमाटोज और मसाला साथ में डालूँगी। ये है अभी आलू भून रही हूँ। थोड़ा भुनने के बाद ही हल्का सा ना कलर चेंज हो तो मटर डालेंगे। मटर डालने के बाद ये मसाले डालेंगे। तो मैं मसाले आपको बता देती हूँ। ये रेड चिल्ली पाउडर है, ये तो मैं ज़्यादातर पिज़्ज़ा या पास्ता बना के उसमें यूज़ करती हूँ। ये देखो कुट्टी पाउडर है। वैसे मैं अभी ये डालूँगी, हल्दी डालूँगी। सिंपल बनाना है और इतना सा, इससे तो मैं मसाला डालूँगी नहीं आज। मैं ये छोटे स्पून से डालूँगी, ये स्पून देख रहे हैं ये है, इतना ही गर्म मसाला डालूँगी, इतना ही किंग मसाला। ये देखिए कितना, बस लाइट मसाला डालना है। बनाते हैं प्याज लगी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा तो नहीं लगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा और पहले डाले डाल दें। आज यही है, यही बातचीत करनी है। बहुत ही अच्छा फीलिंग करके सोचा फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ अपने फ्रेंड से, और कमेंट से मुझे अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। तो ये हो गया है, तो अब इसमें सॉल्ट डालेंगे और मटर डालेंगे। वेट, और मैंने सॉल्ट डाला है, बनाते वक्त एक ही हैंड से आप स्टैंड नहीं है। अब हम डालेंगे इसमें रेड चिली पाउडर। ये देखिए 1-2 स्पून, ये छोटे स्पून से मैं डाल रही हूँ, ये छोटे स्पून 2 स्पून ये और 2 स्पून ये, थोड़ा कमी होगा ये। और मैंने आपको दिखाया था कि मैं 1/2 स्पून ही डालूँगी गरम मसाला, और ये है तेल मसाला। टी स्पून जो होता है वो डाला है। ये है, देखती हूँ मैं लौकी का रायता जो बनाऊँगी मैं आपसे शेयर कर पाती हूँ। अगर शेयर करूँगी तो जरूर करूँगी आपसे, जल्दी ही बनाती हूँ इसको। उसमें सॉफ्ट लौकी जो आती है ना बिना बीज वाली, उसको 2 लौकी लेके, वो राउंड शेप वाली जो लौकी होती है ना, मैं उसी के अक्सर बनाती हूँ। मीठा होता है, टेस्टी है। वैरायटी की इंग्रेडिएंट्स सेम होगी। और आज की अभी समर के लिए तो बहुत अच्छा है, और जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं जिनको लौकी बहुत पसंद है उनके लिए बहुत अच्छा है। इसको रखती हूँ, अब मैं डालूँगी टमाटोज। तो टमाटोज मैं कट कर देती हूँ और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। टमाटोज मैंने डाल दिए हैं, और अब इसमें इसको चलाना है। चलाकर इसको थोड़ा सा वाटर डालेंगे और फिर मैं ये देखो इसमें वाटर डाल दीजिए। वाटर आप देख के डालें, आपको राइस से भी लेना है या सिर्फ पूरी के साथ खाना है या रोट चपाती के साथ, आप इसको हिसाब से डालें। मैंने टमाटोज को बहुत भुना नहीं है और मुझे इस पसंद है, आपको बहुत भुनना है। फिर तो टमाटोज जो है या तो आलू के पहले डाल लें, ऐसे भी लोग बना लेते हैं, कोई इससे दिक्कत नहीं। टमाटोज साथ में भुन के फिर आलू डालते हैं और फिर मटर वगैरह साथ में, ऐसे भी बन जाएगा और थोड़ा सा टेस्ट में फ़र्क होता है। ऐसे भी बना लेती हूँ मैं, लेकिन आज मैंने ऐसे बनाया इस तरीके से, आप देखते होंगे। और अब मैं रायता तैयार करने जा रही हूँ। रायता अब तैयार करूँगी और इसमें 2 या 3 सीटी लगेगी, और मैं अभी इसे कैप लगाने जा रही हूँ इसका। तो आपको
रायता अभी दिखाती हूँ मैं रायता भी दिखाती हूँ कि वो मैं कैसे बनाती हूँ। मैंने पहले उबाल लिया था और उबाल कर आप फ्रिज में रखते हैं तो थोड़ा इसको मैश कर ले, और अगर आपके पास अभी हैंड मिक्सर है तो आप हैंड मिक्सर से आराम से इसको ग्राइंड कर सकते हैं। थोड़ा सा अच्छा मिक्स वेल हो जाएगा और थोड़ा सा पतला भी हो जाएगा। ये जैसे है ना, ये साबत साबत से दिख रहे हैं, ये नहीं होगा। तो मेरे पास हैंड मिक्सर तो है नहीं और ये गर्म इतना है नहीं, और एक्चुअली मैंने फ्रिज में रख दिया था बॉइल करके सुबह मॉर्निंग में, तो ये अभी स्पून से जितना होगा चलेगा। बच्चे ने तो खाना नहीं है तो हमने ही खाना है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ना बच्चों को बिल्कुल इस तरह से पसंद नहीं आता, या गेस्ट आए हों तो इसको आप गर्म में ही थोड़ा मैच कर ले। मैं नहीं कर पाई थी, मैंने बताया था कि मेरी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं है तो मैंने बहुत चीज़ को प्रॉपर वे में नहीं कर पाई, तो ये अभी मैं कर रही हूँ आपके सामने। और इसमें डाल मैंने हींग और हल्का सा थोड़ा सा जीरा इसमें डाल दिया था, क्योंकि जीरा पाउडर मेरा ख़त्म हो गया है, मैंने ग्राइंड नहीं किया, पाउडर नहीं बनाया। ये देखिए थोड़ा सा नमक डालना है अपने टेस्ट के हिसाब से, आपको कैसा पसंद है। और क्योंकि हल्का नमक, हल्की सी चीनी, कुछ दाने चीनी, 10-12 दाने होते हैं ना चीनी के, आजकल इतने बड़े बड़े दाने आते हैं चीनी के, काउंट करके मैं बता सकती हूँ कि आपने 12 दाने डाले होंगे या 15 डाले होंगे। और ये डालेंगे आप इसमें, अच्छे ग्रीन चिली भी डालूंगे तो इसलिए हल्का सा एक ये कुट्टी लाल मिर्ची डाली, और थोड़ा सा मैं गरम मसाला डाल रही हूँ क्योंकि जीरा पाउडर मेरे पास इसी में ज़्यादा मिला हुआ है, और इसमें काली मिर्च है फ्रेंड्स। तो मेरे हस्बैंड को ये था कि नहीं थोड़ा सा इसमें काली मिर्च ज़रूर डाल देना, और ये काली मिर्च वाला मसाला जो हम घर में ग्राइंड करते हैं ना, और तेज पत्ता मतलब बे लीव्स, जीरा, काली मिर्च, इसमें अच्छे से होता है। तो ये थोड़ा सा डाल दिया, मतलब समझ लो मैंने इतना करीब डाला है, और बस इतना ही मसाला ये डालेंगे मैं। और अब हम इसमें कर्ड को अच्छे से फेड करके तब मिक्स करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी ये ठीक से मिक्स नहीं, लेकिन मैं भी थोड़ा सा कर इतना हो सकता है मैं कर देती हूँ। वैसे आप चाहो तो इसमें मिक्सी में डाल कर भी इसको मैं आराम से ग्राइंड कर सकती हूँ। आपके पास हैंड मिक्सर है, हैंड मिक्सर से ग्राइंड कर लें, मिक्स वेल हो जाएगा अच्छी तरह से। वेल मिक्स कर लें इसको अच्छी तरह से, देखो हो गया है, ठीक है। अभी ये मैंने डाल दिया, और हींग थोड़ी सी चीनी, 10-12 दाने चीनी के, और थोड़ा सा चुटकी भर जो कहते हैं 1 pinch या 2 pinch सॉल्ट में मैंने इसको बॉटल गार्ड लौकी को बॉईल किया था। और ये राउंड शेप वाली लौकी है, बिना बीज वाले, इसमें बीज बिल्कुल नहीं होते। बहुत फ्रेश लिया है आपने तो फ्रेश ही उबाल के रख लें। अगर आपको उस दिन ज़रूरत नहीं है फिर भी उबाल के रख सकते हैं फ्रिज में, और आप हैंड मिक्सर से आराम से मिक्स कर लें। ये काफ़ी हद तक हो गया हाथों से, जैसे हमारी मदर्स करती थी पहले, तो ठीक है। अब इसमें ये बन गया है, ये 2-3 सीटी लग गए, मैं इसको कम करूँगी। अब राइस रखेंगे, आलू भिंडी बनाऊंगी मैं डिफरेंट तरीके से, ये देखते हैं। इसकी सीटी ये लगती है, एक बार और लग जाए तो मैं इसको बंद करूंगी। और इसमें मिलाएंगे हम अब कर्ड मिलाएंगे, कर्ड भी आप अपने हिसाब से मिलाएं, आपको कौन सा कर्ड मिला है, नेस्ले का है, मदर डेरी का है, या जिस भी ब्रांड का है, या घर का है, इस हिसाब से रहता है। और मैं अब इसको बनाने जा रही हूँ, इसमें कर्ड मिलाऊंगी। ये कर्ड है और हीरा क्लासिक, काफ़ी ठीक है। तो मैं देखती हूँ इसमें कितना कर्ड डालना है, अगर मुझे और डालना है। अगर आपको कर्ड रायता ना, कई तरीके का बनता है रायता, कम कर्ड में भी बनता है और ज़्यादा कर्ड में, आपको जैसा पसंद हो। फ्रूट रायता भी, जैसे फ्रूट रायते को भी बनाते हैं, तो उसको भी आपने देखा होगा कि फ्रूट्स बहुत ज़्यादा होता है, कई बार हम जो कर्ड है कम डालते हैं। और आप चाहें तो इसमें क्रीम भी मिला सकते हैं, आपके घर में अगर क्रीम है, जो मलाई निकालते हैं घर में, मिल्क जो गर्म करते हैं, मैं नहीं करती,
और वो भी डाल सकते हैं, तो बहुत ही टेस्टी रायता बन जाता है, चाहे कोई भी रायता हो, फ्रूट रायता हो या वेजिटेबल रायता हो। वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि आजकल बहुत डिफरेंशिएशन है सब चीज़ों में, जैसे वेजिटेबल रायता है, ये बूंदी रायता होता है, किसी में भी आप वो क्रीम डाल सकते हैं, बाजार वाली नहीं, घर में अगर है तो, मेरे पास नहीं है। और अभी कर्ड आपको इतना डालना है तो इतना डालें, मिक्स करना है, मिक्स वेल, बहुत अच्छे से मिक्स करना है इसको। थोड़ा सा वाटर लेके मैं मिक्स करूँगी और देखूँगी कि मुझे दही अगर और चाहिए तो मैं दही और ले लूँगी। तो इस तरह से आपका ये रायता तैयार होगा, मैं आपको दिखाऊँगी एंड में। फ्रेंड्स ये देखो मेरा रायता तैयार है, ग्रीन चिली डाल दी, आप चाहें तो और बारीक काट लें, मुझे इतना ही डालना था आपको बताने के लिए। और ये देखो जीरा है, मैंने इसको लौकी को जब सिंपल बॉईल किया था 10-12 दाने शुगर के डाले थे, 2 पिंच जैसे होता है ना, बिल्कुल चुटकी भर 2 चुटकी मैंने नमक डाला था, सॉल्ट, और ये जीरा डाला था 1/2 स्पून, इसमें ही मैंने जीरा डाल दिया था। मैं हमेशा अलग अलग तरीके से ट्राई कर लेती हूँ, ये नहीं एक जैसा ही मैंने बनाया हो कुछ, और कभी कभी वो दही बड़े वाला मसाला तैयार हो तो वो डाल देती हूँ, वो तो अभी है नहीं और ना दही बड़े बनाए हैं। तो इस तरीके से मैंने उस कर्ड में ये बनाया है इस तरह से। और आपको बिल्कुल कई कई बार मैं इतना गाढ़ा बना देती हूँ कि स्पून में ऐसे जैसे स्पून से नीचे नहीं ऐसे गिरे। ये देखो थोड़ा सा पतला है क्योंकि मुझे आज ऐसे ही बनाना था। कई बार गाढ़ा, अगर आपको बिल्कुल काफ़ी थिक पेस्ट चाहिए, थिक चाहिए, तो 1 कप पूरा कर्ड ले और 2 लौकी की छोटी छोटी लौकी के साथ एकदम सही रहेगा, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा नहीं डालना था। और ये है भिगोई हुई मूंग, ग्रीन मूंग दाल है, आप देख रहे होंगे इसमें स्प्रॉट्स तो नहीं आए हैं, लेकिन अगर स्प्रॉट्स आ गए हों चाहे नहीं आए हों, आप चाहें तो इसमें डाल लें, इसकी इसका न्यूट्रिशन वैल्यू जो है बढ़ जाएगी, हेल्दी हो जाएगा और बेटर है, बहुत अच्छा है। जो डाइट पे हैं उनके लिए सारा बहुत अच्छा एक तरह का फूड हो जाएगा, लाइट फूड, तो इसे भी आप डाल सकते हैं आपकी मर्ज़ी। तो मैंने इसको अलग इसलिए रखा है कि जिनको जिनको डालना है वो ऊपर से आराम से मिक्स करके डाल लेंगे। तो इस तरीके से ये रायता तैयार हो गया, और आप चाहें तो इसको थिक बनाएं, मैंने आज थिक नहीं बनाया है जानबूझ करके, क्योंकि ना मुझे थिक कर्ड पीछे बनाया था तो मुझे लगा कि नहीं मैं थोड़ा सा पतला बनाऊं। तो आप ही ट्राई करें, और ये फैमिली फूड ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट ज़रूर शेयर करें, लाइक ज़रूर करें। और देखती हूँ मैं कुछ वो अब चपाती और राइस रह गई है, थोड़ा सा वो बनाऊँगी। डेली फैमिली फूड ब्लॉग है ये मेरा, आज ये वीडियो इसी पर था कि डेली फैमिली में आप क्या बनाते हैं रोज़ का, कोई स्पेशल तो किसी रोज़ नहीं बनता, कभी कभी ही बनता है। और ये है लेडी फिंगर्स भिंडी, तो इसका मैंने सोचा पहले कि राजस्थानी भिंडी बनाते हैं जो बीच से सिर्फ कट करके मसाले में मैरिनेट करके बनाते हैं, और मैं इसमें थोड़े आलू डालूंगी। तो देखती हूँ फ्रेंड्स अभी बनाना है तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी, और अगर अभी नहीं बनाती तो नेक्स्ट वीडियो में इसको आप, हो सकता है वीडियो मेरा बहुत आज लंबा हो जाएगा तो ये नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर करूँगी। तो प्लीज़ वॉच ज़रूर करें, लाइक भी करें और कमेंट ज़रूर शेयर करें। लव यू ऑल, बाय। हमारा लंच रेडी है, आप भी मोस्ट वेलकम। ये आलू मटर, ये रायता है, ये राइस है, राइस यही ला के रख दिया, चपाती यहाँ बनी हुई है, ये है चपाती इसमें। तो और ये देखो ये दाल मैंने बताई थी ना जिनको लेनी होगी, थोड़ी अपनी ले लेंगे, बाकी फ्रिज में रख दिया है मैंने। तो ये देखो, और ये रायता। तो चलिए लंच करते हैं शुरू।